यहाँ पे आज हम लोगों ने ये दर चापा मारा था हॉट एंड चिली ग्रीन स्पाइस शहबाज टाउन में, यहाँ पे हम लोगों ने आज चापा मारा था। यहाँ पे अक्सर जो ये लोग सफाई वगैरह के कोई ख़ास सिस्टम नहीं है और इनकी जितनी भी चीज़ें ये सारे नहीं एक्सपायर्ड है। ये अभी एक शॉप से एक हम लोगों ने लिया था 2018 की, इसकी नहीं एक्सपायरी डेट है। ये हमारे पास एक सॉई सास है ये जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एचअप वगैरह में वो चीज़ों में। और ये हमारे पास 2011 की है, ठीक है, ये 2011 की बनी हुई, अभी तक यहाँ पे दुकानों होटलों में अभी तक सेल हो रही है। यहाँ पे सफाई सिस्टम कोई ख़ास नहीं है और यहाँ पे जितनी भी मीट है फ्रोज़न मीट तीन तीन चार चार दिन की यहाँ पे नहीं मीट पड़ी हुई है। फ्रिज वगैरह से नीचे तहखानों से बहुत बहुत नहीं ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो इसको आज हम लोगों ने डीजी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक हम लोगों ने इनको सील किया था और इंशाल्लाह आइंदा हम लोग इनको नई SOPs देंगे, जो नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो देंगे। अगर इन लोगों ने उसको फॉलो कर दिया तो हम लोग इसको नहीं वापस इसको नहीं रीओपन कर देंगे। अगर इन लोगों ने हमारे प्रोसीजर बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के जो हमारे रूल्स रेगुलेशन है अगर उनको फॉलो नहीं किया तो इसको हम लोग हमेशा के लिए सील कर देंगे। फूड अथॉरिटी हम लोग तकरीबन 2 महीने से हम लोगों ने फॉल किया हुआ है, फेसबुक वगैरह पर हम लोगों ने इशारा दिए हुए कि फूड अथॉरिटी बन गए और इन लोगों को पता भी है। तो इन लोगों को ये करना चाहिए कि ये लोग सफाई सुथराई का थोड़ा ख्याल करें, थोड़ा सफाई करें, थोड़ी सी नीचे जो इनके नहीं तहखाने जो नहीं स्टोरेज रूम्स है उनसे बहुत बड़ी बहुत अजीब किस्म की नहीं स्मेल आ रही है। और ये सारी चीज़ें आम आवाम को खिला रहे हैं, 1100-1200 रुपये का 1 किलो गोश्त दे रहे हैं, आम आवाम को खिला रहे हैं। तो ये तो ना तो इस्लाम में है ना हमारे नहीं मुसलमानियत में है। इन लोगों को करना चाहिए कि ये लोग खुद बग़ैर फूड अथॉरिटी के अपनी सफाई सुथराई पर नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करें। और आज हम लोगों ने इनको सील किया था कि इन लोगों का अंदाज़ा हो जाए कि बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी बन गई और नेक्स्ट टाइम ये लोग अपनी सफाई सुथराई वगैरह का ख्याल रखेंगे। इसको हम लोग बाकायदा जो हमारे रूल्स रेगुलेशन जो हमारा एक्ट है उसी के मुताबिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो रूल्स है जो हमारे पास ओमोटो वगैरह है उसी के मुताबिक हम लोग इसको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जुर्माना भी करेंगे और इनको सील भी कर देंगे। अभी तक हम लोगों ने इनको जस्ट वार्न किया है कि आप लोग अपनी सफाई सुथराई जो आपकी किचन वगैरह इनको नहीं इम्प्रूव करें, हाइजीनिक सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं एडल्ट्रेटेड फूड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम लोग इनको नहीं फाइन भी करेंगे, पहले इनको SOPs देंगे ताकि ये अपने सिस्टम को सही करें। अगर इन लोगों ने सही नहीं किया तो फिर इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट टाइम के लिए 6 मंथ के लिए जेल में भेज देंगे और इसके साथ 10 लाख तक हम लोग इसको जुर्माना दे सकते हैं। वो असल में जो जी जी रिपोर्ट सामने आया जी 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 असल में उस वक्त बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी फंक्शनल नहीं थी तो उस वक्त जो चापे वगैरह मारे गए तो वो तो अलग-अलग सिस्टम है। अभी हम लोगों के बाकायदा 19 फरवरी 2019 से हम लोगों की फूड अथॉरिटी का नोटिफिकेशन हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग इंशाल्लाह किसी के साथ इंशाल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। हम लोगों की मेन ये ऑब्जेक्टिव है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, साफ सेफ्टी फूड हाइजीन सिस्टम और यहाँ पे जो इनके नहीं सैनिटेशन सिस्टम है और यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उनके मेडिकल रिपोर्ट्स होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा ने कोई चीज़ बना रहे उसमें खुद हेपेटाइटिस वगैरह की डिजीज़ है तो ये सारे आम लोग खाते हैं इसको, तो आम लोग खाते तो ये सारे लोग नहीं हेपेटाइटिस वगैरह उसमें नहीं ट्रांसमिशन हो जाती है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग पहले फर्स्ट स्टेप में इसको बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी से लाइसेंस शुदा कर दें इन सबको और उसके बाद इन सारे स्टाफ की हर महीने की नई मेडिकल रिपोर्ट वगैरह बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के ऑफिस में जमा करिए लोग।